नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्रोज अस्ट्रो में। आज हम बात करने वाले हैं सपने में माँ की मूर्ति देखना या फिर सपने में मरी हुई माँ को देखना कैसा होता है, शुभ होता है या फिर अशुभ होता है, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। सपने में माँ की मौत देखना या फिर सपने में माँ की मृत्यु देखना, अगर आपकी माता वर्तमान समय में जीवित है फिर भी आपको अपनी माता की मृत्यु का सपना आ जाता है, आप सपने में देखते हैं कि आपकी माँ की मौत हो चुकी है और आपकी माता की लाश आंगन में पड़ी है, आपके परिवार के खूब सारे लोग आपकी माता के चारों ओर परिक्रमा दे रहे होते हैं और आप अपनी माता के लिए बिलख रहे होते हैं, तो दोस्तों ये सपना आपके लिए बहुत ही डरावना सपना है। लेकिन आपको इस सपने के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सपना आपके लिए और आपकी माँ के लिए बहुत ही शुभ संकेत देता है। ये सपना आपकी माता की आयु बढ़ने का संकेत देता है। ये सपना इस बात का संकेत देता है कि आपकी माता पहले से ज़्यादा जिएगी और आपकी माता की आयु कुछ ना कुछ वर्ष और बढ़ जाएगी। अब बात कर लेते हैं सपने में मरी हुई माँ को देखना कैसा होता है। दोस्तों, आपकी माँ इस दुनिया में नहीं रही और आपको अपनी माँ के बारे में सपने आते हैं। सपने में आप अपनी मरी हुई माता को देखते हैं तो ये सपना आपके लिए शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। इस सपने से आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार के सपने देखने वाले बहुत ही खुश नसीब होते हैं, क्योंकि उनकी माँ मरने के बाद भी उनका साथ नहीं छोड़ती है। वो मरने के बाद भी अपने बच्चों को लगातार दिशा निर्देश करती रहती है। यह सपना खास करके तभी आता है जब आप अपने परिजन को भूल जाते हो या कोई गलत काम या घमंड करते हैं और आप अपनी माँ द्वारा दिखाए गए मार्ग से भटक गए हों, तो आपकी माता आपको संकेत देना चाहती है कि आप सही रास्ते पर लौट आएं। अब बात करते हैं सपने में मरी हुई माँ का बुलाना। दोस्तों, आप देखते हैं कि आपकी प्यारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, यानी सपने में आपको आपकी मरी हुई माता दिखाई देती है और आपको दिखाई देने के साथ साथ आपको अपने पास आने के लिए आगाह करती है। सपने में मरी हुई माँ आपको अपने पास बुलाती है तो ये सपना आपके लिए शुभ संकेत नहीं माना जाता है। ये सपना आपको काल के मुँह में आगमन की ओर संकेत करता है। ये सपना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले दिनों में शीघ्र ही आपकी मौत होने वाली है और आप धीरे धीरे काल के मुँह में चले जाएंगे। इसके अलावा ये सपना आपके और आपकी माता की प्यार की मजबूत रिश्ते का संकेत भी देता है, क्योंकि आत्माएं उन्हें बुलाती है जिनका गण मिलता है। इसका मतलब है कि आपका और आपकी माता का बहुत स्नेह भरा रिश्ता है, वो मरने के बाद भी आपको प्यार से बुलाती है। सपने में मृत माँ आपसे कुछ मांगती है। आप सपने में अपनी मरी हुई माँ को देखते हैं कि वो आपसे कुछ मांगती है तो ये सपना आपके आर्थिक हानि होने का संकेत देता है। ये सपना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपको कारोबार में नुकसान होने वाला है। अगर आप किसान हो और आपके सपने में आपकी माता आपसे खेत में पैदावार होने वाली कुछ फसलों या फल को मांगती है तो इसका मतलब है कि खेत की पैदावार में आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और खेत में अकाल पड़ने वाला है। अब बात कर लेते हैं सपने में माता को आशीर्वाद देते हुए देखना कैसा होता है। सपने में आपकी मरी हुई माता को आप सपने में आशीर्वाद देते हुए देखते हैं
तो ये सपना आपके लिए प्रगति और कुछ नया करने का संकेत देता है। ये सपना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है और आप इस काम में लाभ मिलने वाला है और आप हर काम में सफल होने वाले हो। इसके साथ ही आपका अटका हुआ काम भी बन जाएगा। दोस्तों, आज हमने जाना कि सपने में माँ की मृत्यु देखना या सपने में मरी हुई माँ को देखना कैसा होता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सपने के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।